तो हाँ जी भैया, कैसे हो? सारे बढ़िया। सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल। और तो भाई, सीन ऐसा है कि इटली की सीरीज़ होगी ख़त्म, सारी वीडियोस हमने डाल दी, अब बैक टू नीदरलैंड्स, तो व्लॉग आते रहेंगे। तो इस व्लॉग में बात करेंगे मेरी पार्ट टाइम जॉब के बारे में, जो मैंने अभी कुछ हफ्ते पहले ही शुरू की है, इटली के आने के बाद ही शुरू की है। तो अभी ये शायद तीसरा या चौथा हफ्ता है। जिसको पता है, जो इंस्टाग्राम पे है मेरे साथ एडिट, उसको पता है मैं कहाँ काम करता हूँ। जिसको नहीं पता, वो टी शर्ट देख के और इस ऐसे समझ आओ। तो हाँ, मैं सबवे में काम करता हूँ। 16 आवर्स अलाउड होता है। अभी मुझे 12-13 तक भी मिल जा रहे हैं, कभी कभी तो एक हफ्ते में तो 8 ही मिले, तो चल रहा है। क्योंकि अभी मैं नया हूँ, काम इतनी तेज़ी से आता नहीं है, धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो चल रहा है बढ़िया काम। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ मेरा दिन कैसा होता है सबवे में एज अ सैंडविच आर्टिस्ट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो, मिलो इंट्रो के बाद। भाई साहब, आज दिन भी काफ़ी अच्छा खिला है ना, बढ़िया धूप निकल रही है। आजकल धूप निकलने लग गई है, काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है। और ये देखो कितना बढ़िया क्रिस्प करते हुए ये जट जा रहे हैं। तो ठीक है, एक और चीज़ दिखाता हूँ। तो ये लेना पड़ गया भाई, ये पीछे इग्नोर करो कपड़े वपड़े, ये लेना पड़ गया क्योंकि रात को लगती है बहुत ज़्यादा गर्मी और नहीं सहा जाता। तो ये बढ़िया है भाई, 15-16 यूरो का आया, कितने बैठे बाहर, 1300 रुपये का है ना। तीन इसमें मोड्स हैं, सब बढ़िया है। अभी लगी है नींद बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों रात को नींद अच्छे से आई नहीं, तो अभी बहुत नींद लगी है। अभी कॉफी लेनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं हो रही शिफ्ट, टफ है। तो जल्दी जल्दी से नीचे यम्बो से कॉफी लेते हैं, 1.5 यूरो की पड़ती है भैया, तो और फिर निकलते हैं। बाहर आ गया और फिर समझ आया कि वॉलेट तो लाया नहीं है, वापस जाना पड़ेगा। पॉकेट में रहना होता है तेरे को, एक काम है तेरे पास ना, वो भी नहीं कर सकता क्या, वॉलेट बनेगा रे तू। तू क्यों नीचे चलेगी? अब जल्दी जल्दी लेते हैं कॉफ़ी, बड़ा काढ़ा सा आ रहा है। अच्छा कॉफ़ी, और जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि लेट हो गए और लेट अच्छा नहीं होता काम पे। इफ यू कांट स्टे टेक मी अवे। और अब निकलते हैं सीधे स्टेशन की तरफ क्योंकि लेट हो जाएंगे नहीं तो। और मतलब मैं आज तक लेट नहीं हुआ हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगेगा अगर मैं लेट गया, पर ऐसा कोई सीन नहीं है। जो मेरे साथ बंदे काम करते हैं संडे को, वो कूल हैं, और जो मैनेजर है वो बहुत चिल है, तो सही है, मज़ा आता है काम करने में। तो भाई, स्टेशन बालमर आ गया है, और सबसे अच्छी बात पता क्या है मेरे काम की, कि मैं यहीं काम करता हूँ और मुझे दूर भी नहीं जाना पड़ता, मुझे डायरेक्ट मेट्रो मिल जाती है, मैं साइकिल से भी आ सकता हूँ, पर साइकिल मेरी फ्रेंड के घर पे खड़ी है, तो मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता और बिल्कुल घर के पास ही है। तो ट्रैवलिंग में टाइम भी नहीं जाता ज़्यादा, 2-3 मिनट में पहुँच जाता हूँ मैं मेट्रो से, तो बढ़िया है काम। और मैंने ये काम कैसे ढूँढा, तो भाई इसकी भी एक लंबी कहानी है। जब मैं दिसंबर में यहाँ था, तब मैंने ये काम ढूँढना स्टार्ट किया था, और मुझे मिल गया था ये, पर मुझे इंडिया जाना पड़ा। जिसने वो वीडियो नहीं देखी कि मैं इंडिया क्यों गया था उस टाइम पे, उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में आ गया होगा, चेक करो। फिर जब मैं वापस आया, तो मैंने उस बंदे से फिर कांटेक्ट किया, तो उसने बोला हाँ जॉब है, मैं कह तो दे दे भाई, तो फिर उसी तरह से जॉब लगी। आजकल मेरे पास टाइम ज़्यादा होता है क्योंकि ऑब्वियसली थी से चल रहा है, तो यूनिवर्सिटी तो जाते नहीं है, तो उस चक्कर में टाइम ज़्यादा होता है, बढ़िया है, टाइम पास भी होता है। 16 आवर्स पर वीक, पर अभी शिफ्ट कम मिल रही है। ठीक है, तो अभी जल्दी जल्दी चलते हैं, 5 मिनट बचे हैं, और मैं आपको दिखाऊं तो बस यहाँ से आगे से हमारी मार्केट स्टार्ट होती है, और जो पहली शॉप है वो सबवे है। तो देखो वो स्टेशन और वो सबवे है ना, तो बढ़िया है।
तो स्टोर पे पहुंच गए, कैमरे को रखते हैं साइड में और करते हैं काम शुरू, और आपको भी दिखाते हैं धीरे धीरे करके। चलो ये अपना स्टोर बिल्कुल बार्मर स्टेशन पे, और इस साइड में एक सारा काउंटर है, बंद वगैरह बैक साइड से चल रहा है, और यहाँ से भाई तुम्हारा कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं। ये साइड ऐसे ऊपर को आ जाती है तो ये पूरा काउंटर बन जाता है बढ़िया। तो यहाँ भी ये ब्रेड्स बन रही हैं, थोड़ी सी फूल के सेवन में जाती है बड़े वाले में, और प्रॉपर ब्रेड बन जाती है जैसे ये, उसके बाद हम इनको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं ऐसे करके, और यहाँ से जब यूज़ करनी हो तो वो इस कैबिन में आ जाती हैं, और जो आपको दिखती हैं कि कौन सी खाओगे, हर्ब एंड चीज़ सेसमे वगैरह वगैरह, ये सारी सब्जियाँ वगैरह सारे सैलड हैं, और यहाँ अपनी कुकीज़ तैयार हो रही हैं जो इस काउंटर पर जाएगी। ये जो है ये एवोकाडो है, लोग बड़े चाव से बोलते हैं एवोकाडो डाल दो तो पता लगता है 3 यूरो का है, फिर मना कर देते हैं, कोई नहीं खाता ज़्यादा इसको। बहुत ज़्यादा रश है भाई, बहुत ज़्यादा। तो भाई सीन ऐसा है कि काम करने में तो आ रहा था बहुत ज़्यादा मज़ा, क्योंकि अच्छा खासा काम था और बहुत बिजी डे था, पर मेरा हो गया अब दिमाग ख़राब, क्योंकि 4 हफ्ते हो गए हैं और मुझे शिफ्ट्स नहीं मिल रही हैं प्रॉपर जो मुझे चाहिए, 8 घंटे 7 घंटे यही शिफ्ट्स मिल रही हैं, और इतने में क्या ही कर लोगे। तो अब थोड़ा सा मेरा मूड ही ख़राब हो गया सारा, अच्छा खासा काम कर रहा था और बढ़िया दिन जा रहा था, पर शिफ्ट नहीं मिल रही अभी पूरी यार। अगले संडे को भी सिर्फ संडे की शिफ्ट मिली, वो भी 11 से 5, तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है, बट क्या कर सकते हैं। दिक्कत ये है कि वो बोल रहे हैं कि जिस दिन पे तुझे काम करना है उस दिन सबको काम करना है, तो हम किस किस को शिफ्ट दें, तो हमेशा मेरी शिफ्ट क्यों कटती है। तो चलो क्या कर सकते हैं। अपना हो गया लंच का टाइम, ये फ़ायदा होता है रेस्टोरेंट में काम करने का, खाना इन्हीं का होता है हमेशा, तो बढ़िया का सब ठूसेंगे और फिर चलते हैं काम को। दिन की दिहाड़ी ख़त्म, अब बस सब कुछ साफ़ करना और निकलो घर, ख़त्म हो गया सारा काम, 5 बज गए। तो भाई ये किसी को नहीं चाहिए थी, तो भाई इसको कैप्चर कर रहा है सारियों को, काफ़ी ज़्यादा है बची हुई थी आज की, हर दिन फ्रेश बनती है। अब निकलते हैं घर वाली साइड, बहुत थकावट हो जाती है यार, मतलब 6-7 घंटे काफ़ी ज़्यादा, मतलब चलो कोई ना, एक्सपीरियंस भी यार पैसे भी मिल रहे हैं इस चीज़ के, तो दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब इस वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। आज आपने देखा कि कैसे सबवे में मेरा पार्ट टाइम जॉब का क्या सीन है, और क्या क्या करता हूँ मैं और क्या क्या नहीं करता हूँ। तो भाई मुझे मिलते हैं इसके 10 यूरो 85 सेंट्स पर आर, ठीक है, तो जितने मेरे घंटे होंगे उस हिसाब से मुझे मंथली पेमेंट हो जाती है। 16 अलाउड है अभी, 16 तो मिल नहीं रहे हैं, पर जितने हैं चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बच के रहो और सब खाते रहो।